हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के खूबसूरत से गंगोली आर्ट सिल्लिक से। तो अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और आज है भाई दूज। तो हैप्पी भाई दूज सभी को, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। गाड़ी नीचे वेट कर रही है, अभी सरों पे चढ़ाने हैं चूड़े वगैरह, और हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि काइनो सो गई थी ना, तो काइनो को उठा के अभी अभी मैंने रेडी किया है और अभी जस्ट निकलने का समय है। तो आज सिल्लिक को अलविदा कहने का समय है और माही को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बोल रही थी कि मैं आजा। बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो। तो फिर बाद में मिलेंगे, गंगोली आर्ट जाके मिलेंगे। मैंने सोचा थोड़ा बहुत लास्ट अभी जाते टाइम की झलकियाँ हो जाए, है ना, जाते टाइम के व्यूज हो जाए सिल्लिक के, तो इस वजह से थोड़ा बहुत शूट कर रहे। तो बहुत ही जल्दबाजी हो रखी है क्योंकि आज भैया दूज है, गाड़ी में एकदम सीट वगैरह फुल हो जाती है ना, तो इस वजह से गाड़ी भी नीचे पे आ चुकी है और निकल रहे हैं हम लोग जल्दबाजी में। ओ भाई साहब, अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं रोड में और गाड़ियां लगी हुई हैं, 3-4 गाड़ियां लगी हैं, पता नहीं जिसमें भी सीट होगी निकल जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ? मम्मी आए थे वहां तक छोड़ने के लिए, अब वापस जा रहे हैं। पापा ने घर से ही सी ऑफ कर दिया था, पापा को बहुत सारा काम था, मंदिर वंदिर का पूजा वूजा कर दी थी फटाफट हमारे लिए। ये छोटा बेबी इतना गुस्सा कर गया ना, सुबह सुबह गुस्सा कर गया ये छोटा बेबी। इसको मैंने कैप खाली पहना रखी है, ऊपर से ठंडा हो रहा है ना, इसलिए टोपी जरूरी है। ड्राइवर ने हमको जल्दी तो बुला दिया लेकिन उनकी सवारी नहीं आई है, नीचे कहीं बनेला गांव साइड से कोई सवारी आ रही है। बाकी हम लोग तो रेडी हैं, बैग भी आ चुका है, ये वाला बैग काफ़ी भारी है। और फिलहाल आज पहले हम लोग जाएंगे गंगोली आर्ट, उसके बाद फिर सुखाल को भी निकलना होगा शाम तक। मम्मी भी ऊपर बैठी है इंतज़ार में, ये देखो मम्मी भी इंतज़ार में बैठी है कब गाड़ी आएगी, कब ये लोग जाएंगे। बल कहो बाइक में आएगा मेरे साथ, बाइक में आएगा मेरे साथ, हैं बाइक में आएगा, फिर आएगा। काइनू का लुक देखो, लुक ओ काइनू, अरे वाह। तो चलिए फिर अब सीधे मिलते हैं आप लोगों को, रास्ते से तो नहीं मिलूंगा, ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, रास्ते में कुछ शूट नहीं करूंगा। और बाकी ये सब रास्ता परसों ही दिखाया आपको, और सीधे मिलते हैं गंगोली हाट या फिर सुरखाल, जहाँ से भी टाइम लगा या फिर रास्ते से भी कहीं से भी टाइम लग गया तो वहीं से मिलेंगे। तब तक तश्ये रिया तश्ये, बाय बाय। हाँ जी, तो यार सोचा तो था मैंने कि सीधे आप लोगों को मिलूंगा मार्केट से, यानी कि गंगोली आर्ट पहुंच के, लेकिन कुछ ऐसा दिख गया यहाँ से, मैंने कहा ये तो दिखाना बनता है। तो देखिए नज़ारे नीचे के, पहले ये देखिए, ये सब आपको पहाड़ों में ही देखने को मिल सकता है, सारे पहाड़ों के नीचे, यानी कि बादल आज नीचे हैं। और यहाँ ना अक्सर ये होता रहता है, इस वाले इलाके में मैंने देखा है ऐसा होता रहता है, पूरा बादलों का समंदर है भाई नीचे पूरा। ये है डूनी और मैं चैस से थोड़ा सा नीचे पहुँचा हूँ डूनी गांव, देखो क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, पूरा समंदर बह रहा है। तो यार फाइनली पहुंच गए हैं गंगोली आर्ट अपने रूम पे, और सुबह आज ना इतनी हबड़ तबड़ में आए, नाश्ता तक नहीं कर पाए थे, तो स्नेहा ने ऐसे ही यहाँ पे नाश्ता लगा दिया। अभी ये सारे कपड़े वपड़े जो भी घर से बैग वैग में था, सामान वामान सब कुछ बिखरा पड़ा है, स्नेहा वो सब टांसने में लगी है। टांसने मतलब पहाड़ी में टांसने बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संभालने में, उसको क्या करने में, सेट करने में लगी है, और हाँ अरेंज करने में लगी है, सही वर्ड ये, अरेंज करने में लगी है। और नाश्ता भी लगा दिया, नाश्ता मतलब सुबह तो करके ही आए थे, दोपहर का लंच हो गया, अभी 12 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन हमारे लिए ये नाश्ता ही है क्योंकि सुबह तो कुछ खाया नहीं हमने, वैसे ही अबड़ तबड़ में खाली, बस क्या बोलते हैं उसको, मुख बिटाओ, निर्मुख नहीं जाते बोलते हैं घर से, मतलब बिना कुछ खाए पिए। तो फटाफट थोड़ा बहुत जो भी था वो सब खाया, बाकी मम्मी ने सुबह सुबह मस्त पूड़ियाँ और पुए वगैरह बना दिए थे, तो वही सब खा रहे हैं। स्नेहा भी लग गई है अब खाने में, लग गई मेरे को बहुत ही ज्यादा भूख लग गई, अब कंट्रोल नहीं होता, लॉक लॉक बनाने तो इनको। वैसे ही इसकी गाड़ी में आज हालत खराब हुई, वाट लगी है गाड़ी में ना, वाट लगी पड़ी। चलिए फिर थोड़ी देर में, फिर ये सब ताँच पाँच करने के बाद फिर सुरखाल को भी निकलना है, मैं तो शाम को वापस आ जाऊँगा, कल परसों से फिर मैं इधर उधर ही हूँ बुकिंग वुकिंग में, और शादियों का सीजन आ चुका है इसीलिए।
और आपके गांव घरों में भी अगर शादियां चल रही हैं उनसे बोलो ड्रोन बुक करा लो ड्रोन बुक करा लो मेरे से प्लीज। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, जिस टाइम पे आप सुरखाल को जाएंगे तब मिलते हैं। शाम के बज रहे हैं 4 और अभी हम लोगों की सवारी चल रही है सुरखाल की तरफ। आज दिन भर ना घूमने में ही है। काइनू को पहले गंगोली हाट आने की इतनी खुशी हुई कि गंगोली हाट पहुंच गई, बेचारी को वहां से भी उठा के हमने यहाँ पहुंचा दिया। कंफ्यूज हो गई है काइनू। वो तो छोड़ो, इतना बड़ा बैग दे रखा है मुझे, काइनू दे रखा है मुझे, खुद यहाँ टावल पकड़ के स्टाइल में चल रही है। आज सारी जिम्मेदारी दे दी। क्यों, क्या होता है ना कभी कभी जो इंसान लापरवाह होता है ना वो धोखा खाता है, इसलिए इनको बहुत लापरवाही करते हैं, मतलब मेरे से ना भाव मांगते हैं ना चीज़ें अच्छे से करते हैं। तो मैंने कहा लो लापरवाही का नतीजा सब आप करो, तो इस वजह से। और अभी इनको वापस भी जाना है, आजकल इनका मन ससुराल में लग नहीं रहा। क्या बात है, आजकल ससुराल में मन नहीं लग रहा। क्या बात, मन क्यों नहीं लग रहा है? मन तो लग ही रहा है, काम हो जाता है यार अपना, फिर यहाँ दिक्कत हो जाती है काम से। दादा भी आ रहा है पीछे पीछे। दादा दारोगान में हमसे पहले पहुँच गया था भाभी लोगों को छोड़ के, आज भाई दूज है तो भाभी भी मायके गई है। दादा ने वही पूछ लिया था आप वापस तो नहीं जा रहे हो, इन्होंने बोला ना बाइक कहाँ लगाऊँ, ये बोल रहे हाँ मुझे जाना है। दादा बल क्या काम है बल तुमको इतना जो तुम वहाँ जा रहे हो रोज रोज, क्योंकि सबको डाउट होने लगा अब इन पे क्यों जाते हैं आखिर ये मुझे वहाँ यहाँ छोड़ के वहाँ है। और काइनू, काइनू काइनू क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे बाबू? आजा क्या दिख रहा है? दिख तो रही है वो, लेकिन वो आजा बोलो, आजा बोले आजा बोले भी। तो यार इन लोगों को तो छोड़ दिया है यहाँ, मस्त चाय पानी हो चुका है और फिलहाल अपन निकलते हैं अपने आशियाने को यानी कि गंगोली हाट को। कुछ कहना है? क्या कहूँ, जाओ जा रहे हो तो निकलोगा। नहीं नहीं मैं अपनी मर्जी से जा रही है, थोड़ी कि हम निकाल रहे हैं इनको, अब खुद ही डिसाइड करके आए हैं कि इनको जाना ही है, थोड़ा काम भी है। चलो फिर बाय। आई नो बाय। बस आज का पूरा दिन तो इधर उधर में ही रह गया, लेकिन भाई साहब कल से गंगोली हाट में बहुत खास होने वाला है। कल मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा, मतलब मैं आपको कि महाकाली महोत्सव की क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कल 16 को हमारा ये वाला ब्लॉग आएगा। कल 16 को जो वीडियो बनाऊंगा वो 17 को देखिएगा, और 17 से स्टार्ट हो जाएगा महाकाली महोत्सव। तो 17 को तो शायद मैं महाकाली महोत्सव में नहीं रह पाऊँगा कुछ काम से, बाकी आपको अपडेट पूरा मिल जाएगा, प्लस जो भी प्रोग्राम होंगे वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पे। थोड़ा डिटेल्ड में अगर देखना है तो फिर आपको मेरे दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा मैं रॉ क्लिप्स रखना चाह रहा था, तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। उस चैनल को भी ना काफ़ी सारे प्यार की ज़रूरत है आप लोगों की, क्योंकि वो चैनल ना एकदम से डेड पड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना चैनल था, सब्सक्राइबर भी 1400 हैं उसमें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सब डेड सब्सक्राइबर हैं। डेड मतलब वो लोग देखते नहीं हैं, उन तक कभी वीडियो जाएगी भी नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम से चैनल बंद पड़ा है। तो
तो प्लीज़ उस चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए, और थोड़ा सा अगर बूस्ट हो जाएगा ना एक बार, तो उसके बाद तुरंत उसमें भी थोड़ी सी रीच आने लगेगी। तो कृपया